उत्तर प्रदेश के घने जंगलों में राज्य पक्षी सारस और राज्य पशु को लेकर जो है वो सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी निर्णय लिया गया और उनकी तरफ से कहा गया है कि जो जंगल हैं उन्हें विशेष पार्क के रूप में विकसित किया जाएगा। जलराशियों की मेड़ों पर जो नई चीजें वो स्थापित होंगी, जंगलों में विकसित किए जाएंगे नए पार्क, सीएम योगी के निर्देश जो हैं वो जारी कर दिए गए। जलाशयों के मेंढ पर व्यापक पैमाने पे वृक्षारोपण का भी कार्यक्रम आयोजित करें, वृक्षारोपण भी उसमें हो, एक बड़ा कार्यक्रम चलेगा। और यह आज जो प्रयास प्रारंभ हुआ है, मुझे लगता है कि यह एक अच्छा प्रयास है। इस प्रयास के कारण न केवल जल संरक्षण के लिए बल्कि वनों की रक्षा के लिए भी, और जो वृक्षारोपण लगाए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, हर वर्ष हम लोग 30-35 करोड़ वृक्षारोपण के कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं, उन कार्यक्रमों को भी आगे बढ़ाने में हमें इसके माध्यम से मदद मिलेगी। मुझे प्रसन्नता है कि आज वन विभाग एक सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रहा है। इस बार के बजट में लखनऊ में भी हम लोगों ने एक नाइट सफारी की घोषणा की है और ये वास्तव में एक बहुत अच्छा प्रयास है कि लोग वन्य जीवों के प्रति एक सकारात्मक भाव रख सकें, हम इस बात को तय कर सकें, लोगों के मन में इस बात को भर सकें कि नहीं, इन वन्य जीवों को नुकसान पहुंचाने की बजाय हम इसे अपने मित्र के रूप में रखें। कोई वन्य जीव मनुष्य को अकारण या किसी भी जीव को, मनुष्य को खासतौर पर अकारण उस पर हमला नहीं करता है, और तभी हमला करता है जब उसे लगता है कि यह मेरा नुकसान करेगा, या हम जब उसको नुकसान करने का प्रयास करते हैं तभी हमला करता है, अन्यथा कोई भी वन्य जीव अपने आप ही दूसरा रास्ता अपनाता है। मैंने तो बहुत बार आंखों से देखा इस बात को कि अगर कोई उसे छेड़ नहीं रहा है तो अपना रास्ता अपने आप अलग दूसरे रास्ते दूसरी ओर मुड़ जाता है। और वह कभी कभी, बहुत सारे वन्य जीव ऐसे होते हैं जो अपने संरक्षण के लिए रात्रि में सुरक्षा के लिए मानव बस्ती के नजदीक आते हैं, लेकिन मानव बस्ती के नजदीक आने पर उसको नुकसान पहुंचाया जाता है। देखिए, जीवन चक्र बिना केवल मनुष्य से ही नहीं चलेगा,